यह सिर्फ एक बेसिक टाइप का ऑटोमेशन है जिसमें कोई भी प्रोग्रामिंग यूज नहीं हुई है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज नहीं हुआ है। इस स्विच बोर्ड में यह दोनों स्विच और यह वाला बल्ब होल्डर सिर्फ यही काम कर रहे हैं, बाकी इन दोनों के पीछे कोई भी वायरिंग नहीं की हुई है। क्योंकि मेरे पास में ऐसा ही स्विच बोर्ड था तो मैंने इन दोनों को निकाला नहीं। अब यहाँ पर इन दोनों स्विच में से किसी भी स्विच से इस बल्ब को ऑन ऑफ किया जा सकता है। इस टाइप का मैकेनिज्म हमारे घरों में सीडीओ में यूज किया जाता है। इसके पीछे की वायरिंग मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है उस लॉजिक को लेकर हमारे घर में हम बहुत सारा छोटा मोटा ऑटोमेशन खुद ही कर सकते हैं जो बहुत ही बेसिक है। लॉजिक गेट का तो आपने नाम सुना होगा, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। नहीं सुना तो डोंट वरी, बहुत ही आसान है और इन गेट का यूज करके हमारे घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में एकदम सिंपल ऑटोमेशन अपन खुद ही कर सकते हैं। एक एक लॉजिक गेट की बात करते हैं और देखते हैं कि इनका ऑटोमेशन हम कर कैसे सकते हैं। लॉजिक गेट में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। सबसे पहले एंड गेट की बात करते हैं। एंड गेट का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है, इधर इसके दोनों इनपुट है और इधर हमको आउटपुट मिलता है। एंड गेट की एक छोटी सी टेबल होती है जिसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं, कुछ इस टाइप की। यह एक्स एंड वाई इनपुट सिग्नल है जो गेट के दोनों इनपुट पर देते हैं और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है। जब दोनों सिग्नल 0 है तो हमें आउटपुट में ही 0 मिलता है, इनपुट में 0-1 है तो भी 0 ही मिलता है। एंड गेट में हमें सिर्फ एक ही कंडीशन में आउटपुट 1 मिलता है, जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तब। चलो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि इस गेट के अंदर दो स्विच लगे हुए हैं और यह दोनों स्विच ऑन कब होंगे, जब इसके दोनों इनपुट्स पर 1 होगा, यानी दोनों इनपुट पर सप्लाई होगी तभी यह दोनों स्विच ऑन होंगे और आउटपुट में यदि इधर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इधर पास कर देगा। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको चोर पकड़ने की मशीन बनानी है अपने घर के लिए, तो आप दो सेंसर खरीद कर लेकर आते हो, एक पर्सन मोशन सेंसर और दूसरा साउंड सेंसर। अब जैसे आप अपने घर पर नहीं हो और रात में कोई चोर घुस गया घर में, तो पर्सन मोशन सेंसर चोर को सेंस करेगा और गेट को कहेगा कि मुझे कोई इंसान दिख रहा है इधर उधर भागता हुआ। एंड गेट बोलेगा दिखता है तो देखता रहे, मुझे अभी साउंड सेंसर का इंतजार है। जब चोर इधर उधर भागेगा तो कुछ साउंड की आवाज भी निकलेगी और साउंड सेंसर एंड गेट को बताएगा कि मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है तोड़ने फोड़ने की। और जैसे ही इन दोनों सेंसर से इस एंड गेट को सिग्नल मिलेगा तो ये फुल पावर के साथ में बर्गलर अलार्म को बजा देगा। यदि अपन इससे थोड़ा एडवांस सिस्टम बनाए तो यह आपके फोन पर कॉल भी कर देगा, मैसेज भी कर देगा और अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको अलार्म से एक्टिवेट कर देगा। अभी यहाँ पर चोर पकड़ने की मशीन में दोनों सेंसर का एक्टिवेट होना जरूरी है। मान लो आपका घर सिटी में है और रात को गाड़ियों की हॉर्न की आवाज आ रही है, तो साउंड सेंसर तो एनी टाइम एक्टिवेट ही रहेगा। तो यदि हमें एंड गेट से कोई सिक्योरिटी अलार्म बना रहे हैं तो हमें दो सेंसर लगाने होंगे जिससे अलार्म एक्यूरेटली काम कर सके, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप रात को घर में सो रहे हो और जोर जोर से हूटर बजने लग जाए। इसके अलावा एंड गेट का यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंटर को रीसेट करने में भी काम में लिया जाता है, जो कि एक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन है। डोंट वरी, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा कि हम गेट बना कैसे सकते हैं घर पर। अब चलते हैं और गेट की तरफ। और गेट का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है और इसकी टेबल इस टाइप की यहाँ पर आप देख सकते हो। और गेट सिर्फ एक ही कंडीशन में बंद रहता है, जब दोनों इनपुट सिग्नल पर कोई भी सप्लाई नहीं होती है, यानी दोनों इनपुट सिग्नल ऑफ होते हैं तब हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलता है। यदि हमने 0-1 इनपुट दिया तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, 1-0 दिया तो आउटपुट मिल जाएगा, 1-1 दिया तो भी आउटपुट मिल जाएगा। अब जैसे मान लो आपकी केमिकल की फैक्ट्री है। अब केमिकल की फैक्ट्री में बहुत डर रहता है कि कोई गैस लीक ना हो जाए, कोई ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़ जाए, तो हमें यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है ताकि जब भी कोई गैस का लीकेज हो तो प्लांट बंद हो जाए या फिर अलार्म बज जाए। फैक्ट्री के अंदर हम दो सेंसर लगाते हैं, एक फायर सेंसर, दूसरा टेम्परेचर सेंसर। अब यदि फैक्ट्री में टेम्परेचर बढ़ेगा लिमिट से ऊपर, तो टेम्परेचर सेंसर और गेट को सिग्नल भेजेगा और यह गेट एक्टिवेट हो जाएगा। अब जिस टाइप का हमें आउटपुट चाहिए, जैसे अलार्म बजाना है या किसी को मैसेज भेजना है, वह काम यहाँ पर हो जाएगा। कई बार हो सकता है कि टेम्परेचर ना बढ़ा हो और सडनली किसी बॉयलर के फटने से आग लग गई हो, तो इस कंडीशन में भी एक सेंसर के एक्टिवेट होने से भी यह गेट एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम चाहे तो इस सर्किट में और भी बहुत सारे सेंसर ऐड कर सकते हैं। जैसे प्रेशर सेंसर ऐड कर दिया तो अब हमारे गेट के पास में तीन इनपुट हो गए, फायर अलार्म, टेम्परेचर और प्रेशर। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आउटपुट मिलेगा कैसे? जब यह दोनों सेंसर एक्टिवेट होंगे तो सिग्नल जनरेट करेंगे 1-1, और मान लो यह वाला सेंसर ऑफ है तो इन दोनों का 1-1 से और गेट की टेबल से 1 आउटपुट मिल जाएगा और इस आउटपुट को इस वाले सेंसर के इनपुट से कंपेयर किया जाएगा
तो वन और जीरो को कंपेयर करेंगे तो हमें आउटपुट में वन ही मिलेगा, जो आउटपुट में वन ही देगा, यानी सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। इस सिस्टम का यूज जो मैंने चोर पकड़ने की पिछले गेट के अंदर एग्जांपल दिया था, उसको थोड़ा और एडवांस किया जा सकता है। जैसे चोर किधर से आएगा, खिड़की तोड़कर आएगा या फिर दरवाजा तोड़कर आएगा। हम घर पर जितने भी खिड़कियां हैं उन पर मैग्नेट लगा देते हैं, तो जैसे ही चोर विंडो को ओपन करेगा तो यह दोनों मैग्नेट अलग हो जाएगी और यह मैग्नेट वाला सेंसर अलार्म को सिग्नल भेज देगा और अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस गेट के एक इनपुट पर तो हमने मैग्नेट वाला सेंसर लगा दिया, दूसरे इनपुट पर मान लो हम फायर वाला सेंसर लगा देते हैं। अब चोर आएगा तो जरूरी थोड़ी है आग लगी हो, तो यदि यहाँ पर और गेट होगा तो जैसे ही विंडो ओपन होगी या विंडो का ग्लास टूटेगा तो और गेट एक्टिवेट हो जाएगा और हूटर बजाने लग जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब भी आप बाहर से घर के अंदर आओ तो आपके आने पर ही अलार्म एक्टिवेट हो जाए, तो अलार्म सिस्टम के अंदर एक टाइमर लगा सकते हैं कि गेट खुलने के बाद में 2 मिनट के बाद में यदि अलार्म को बंद नहीं किया गया तो अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट गेट की बात कर लेते हैं जिसका नाम है नोट गेट। यह एकदम ही सिंपल है, इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है। यदि हम 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट में 1 मिलेगा और 1 देंगे तो आउटपुट में 0 मिलेगा। इस गेट का यूज हम मेमोरी सर्किट में काम में ले सकते हैं। यदि हम 2 नोट गेट को जोड़ दें तो अब यदि हम इस गेट को 0 देंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा और यह इस 1 को वापस 0 में बदल देगा और इस आउटपुट को हम वापस घुमाकर इसी गेट को दे देते हैं। अब इन दोनों गेट ने 0 बिट को स्टोर कर लिया है, जब तक हम इसके इनपुट को चेंज नहीं करेंगे तब तक इनके अंदर यह 0 घूमता रहेगा, यानी 0 को इसने स्टोर कर लिया है। इसके अलावा इसका जैसे कमरे में एसी लगा रखी है, यदि आपने एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर रखा है तो जैसे ही 20 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर होगा एसी बंद हो जाएगी, जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आएगा एसी वापस ऑन हो जाएगी। इसके अलावा आपकी नीड के अकॉर्डिंग अपना खुद का माइंड यूज करके भी आप इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पर जो मैंने आपको 3 गेट बताए हैं यही सिर्फ मेन गेट होते हैं, इनकी हेल्प से हम कोई भी गेट को डिजाइन कर लेते हैं। जैसे एक नेंड गेट होता है, एंड गेट का सिंबल और टेबल कुछ ऐसी थी, इसके आगे हम नोट गेट जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा नेंड गेट और एंड गेट का जो भी हमें आउटपुट मिल रहा था उसको यह पूरा बदल देगा, जहां पर 0 था उसको 1 कर देगा और जहां पर 1 था उसको 0 कर देगा। इसी टाइप का एक और गेट होता है जिसका नाम है नोर गेट, यानी और गेट के आगे नोट गेट लग जाएगा। अब यहाँ पर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट गेट आते हैं, एक है एक्स और गेट, दूसरा है एक्स नोर गेट। एक्स नोर गेट तभी एक्टिवेट होता है जब दोनों इनपुट पर एक ही जैसा सिग्नल हो, या तो दोनों पर 1 हो या फिर दोनों पे 0 हो। और इसी गेट का यूज करके मैंने यह स्टेयरकेस वाला सिस्टम तैयार किया था। जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तब इस बटन को ऑन करते हैं और बल्ब जल जाता है, जब छत पर पहुंच जाते हैं तो यहां से इस बटन को ऑफ कर देते हैं और बल्ब बंद हो जाता है, यानी यह बल्ब तभी जलेगा जब या तो दोनों स्विच ऑन होंगे या फिर दोनों स्विच ऑफ होंगे। 0, 1 और 1, 0 की कंडीशन में बल्ब ऑफ रहेगा। और यही तो एक्स नोर गेट की टेबल हमें बता रही है। स्विच की वायरिंग बताने से पहले एक लास्ट गेट बच गया है जिसका नाम है एक्स ओर गेट, जो जस्ट एक्स नोर गेट का ओपोजिट है। जब दोनों सिग्नल ओपोजिट होंगे तभी आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओगे ताकि पता चले कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, और अपना दिमाग लगाना, ना ही गूगल पे सर्च करना है ना ही किसी का कॉपी करना है। एक एप्लीकेशन आपको मैं ही बता देता हूँ, यह जो स्टेयर केस वाला स्विच है इसको हम इस एक्स और गेट से भी बना सकते हैं, उसके लिए थोड़ी सी इसकी वायरिंग को बदलना होगा, तो आपको एग्जाम्पल कोई इसके अलावा अलग ही देना है। अब मैं आपको सर्किट की वायरिंग बता देता हूँ। इस बोर्ड में मैंने जो स्विच काम में लिया है वह 3-पॉइंट स्विच है, जो कि एक 2-वे स्विच है, आप देख सकते हो इसको पीछे से। इस वायरिंग को मैं आपको पेन पेपर की हेल्प से थोड़ा इजीली समझा देता हूँ। यह बल्ब है जिसके 2 टर्मिनल बाहर निकले हुए हैं। इस टर्मिनल को तो मैं डायरेक्ट सप्लाई दे देता हूँ न्यूट्रल वायर से। इधर स्विच S1 है और इधर वाला स्विच S2 है। दोनों स्विच के ऊपर वाले और नीचे वाले टर्मिनल्स को ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब जो सप्लाई का फेज वायर है उसको स्विच S1 के यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और बल्ब का दूसरा आउटपुट जो स्विच S2 के बीच वाला पॉइंट है इससे कनेक्ट कर देता हूँ। अब जैसे दोनों स्विच ऑफ कंडीशन में है तो न्यूट्रल तो बल्ब को इधर से सीधा मिल जाएगा
और फेज इधर से आएगा और इधर से अपना सर्किट पूरा कर लेगा। इनमें से यदि किसी भी स्विच को ऑन कर देंगे तो अब इस पॉइंट का कनेक्शन इधर से हो जाएगा, लेकिन आप इधर देखोगे तो यह स्विच तो यहाँ से कनेक्टेड है ही नहीं, यानी यह वाला कनेक्शन ओपन है तो बल्ब बंद रहेगा। अब यह तो मैंने सिंपल स्विच से बनाया है, यदि हम इसको और एडवांस लेकर जाना चाहते हैं तो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच काम में ले सकते हैं, जैसे डायोड वगैरह। यह जो ऑटोमेशन है बहुत ही बेसिक लेवल का है, जिसमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट यूज नहीं हुआ है। इस टाइप का छोटा ऑटोमेशन आप घर पे ही कर सकते हो और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 12 वोल्ट डीसी सप्लाई पर आप इस टाइप के एक्सपेरिमेंट करो, उससे कुछ नुकसान भी नहीं होगा और आप बहुत कुछ सीख भी जाओगे। तो यार आई थिंक वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, मेरे ख्याल से आपको इंटरेस्ट भी आया होगा। आपकी तरफ से मेरे लिए बस इतनी सी हेल्प है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और मेरी आपको हेल्प चाहिए तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हो, जहां पर बहुत सारे वीडियो ऐसे ही पड़े हुए हैं जो आपके नॉलेज को 100% बूस्ट करेंगे। थैंक यू।